निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद फर्रुखाबाद नगरपालिका की पहली बोर्ड बैठक की गई, जो हंगामे के साथ शुरू होकर कोलाहल की भेंट चढ़ गई। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद विकास कार्यों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली, परंतु बसपा पालिका अध्यक्ष पर भाजपा प्रतिनिधि हावी रहे, जिसमें काफ़ी समय तक हंगामा रहा और वित्तीय अधिकार को लेकर हुई रार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद पालिका गठन के बाद बोर्ड की पहली बैठक सदर तहसील सभागार में पालिका अध्यक्ष बसला अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सांसद मुकेश राजपूत, सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी व समस्त सभासदों की भागीदारी रही। अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने जनप्रतिनिधियों व समस्त सभासदों के प्रस्तावों के जवाब दिए और जेई आर के चतुर्वेदी ने सभी प्रस्तावों को पढ़ा। इस बैठक में 14 मुख्य प्रस्ताव व समस्त सभासदों के पूरक प्रस्ताव भी पढ़े गए। बैठक में सांसद मुकेश राजपूत ने पालिका अध्यक्षा के वित्तीय अधिकार के प्रस्ताव पर विरोध जताया और कहा कि पालिका अध्यक्षा को वित्तीय अधिकार नहीं मिलना चाहिए और 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर अनुमोदन कराने की बात कहकर पालिका अध्यक्षा के हस्ताक्षर पर बजट स्वीकृत होने की बात कही। ये सुन पालिका अध्यक्षा का चेहरा लटक गया। फिलहाल बैठक के बाद पालिका अध्यक्षा के वित्तीय अधिकार पर फिलहाल तो ग्रहण लग गया, परंतु शहर के लिए काफ़ी कुछ मिला है, जैसे रेलवे रोड पर चौड़ीकरण के बाद बीच में डिवाइडर बनाकर बिजली के खंभे लगेंगे, पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शहर में 6 मोर्चरी फ्रीजर लगेंगे, 2 नए शव मोक्ष वाहन मिलेंगे, शहर को 12 जोन में बांटकर पेयजल की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, शहर के मुख्य तिराहे चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे, शहर को जलमग्न होने से बचाने के लिए अंडरग्राउंड नालों का निर्माण होगा, बड़पुर में स्थित तालाब का सौंदर्यकरण होगा जिसके लिए सरकार द्वारा DPR 1.76 करोड़ पास हो गई है, शहर में CCTV कैमरे भी लगेंगे और उसका कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, नगर में 100 हैंडपंप नए लगेंगे, 55 नलकूपों की मरम्मत के साथ साथ पालिका द्वारा शहर में विभिन्न पर्वों पर चूना डलवाना व छिड़काव करवाना भी शामिल है। इसके साथ ही नई नगर पालिका में नए प्रस्ताव भी पारित हुए, सभासदों के सभी पुराने प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया और वर्तमान में प्रस्तावों पर कार्य करने की रजामंदी हुई। बैठक में सांसद विधायक व MLC ने अपने अपने सुझाव रखे, जिसमें सदर विधायक ने हर माह बैठक कराने की बात कही, जिसे पालिका अध्यक्षा ने नकारते हुए कहा कि न्यूनतम बजट में हर माह बैठक करना औचित्यहीन है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।